देखिए अमित, अभी तक उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वो कोई बच्चा है। जिस तरीके से सबसे पहली कॉल दिल्ली दमकल विभाग को मिली थी कि एक बच्चा 30 से 40 फुट गहरी बोरवेल के अंदर गिर गया है, क्या वो बच्चा है, क्या वो कोई बड़ा शख्स है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी एक PCR कॉल की गई थी कि कोई चोरी करने आया था और वो बोरवेल में गिर गया है। फिलहाल मौके के क्या हालात हैं आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर बिल्कुल दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर है, रिंग रोड पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, केशवपुर के अंदर ये पड़ता है, विकासपुरी के पास। स्पॉट पर आप देख सकते हैं जो बड़ी मशीन यहां पर मंगाई गई थी उससे काफी देर यहां पर खुदाई की गई, और खुदाई करने के बाद सामने आपको NDRF की टीम दिखाई दे रही है। NDRF की टीम जो है वो अपने इक्विपमेंट्स के जरिए जितनी खुदाई हुई है, NDRF की टीम के हाथ में आप कुछ सरिये भी देख रहे हैं, जितनी खुदाई हुई है वो क्या काफी है ये जानने के लिए कि अंदर कौन गिरा है, कितनी गहराई में गिरा है, ये सब कुछ पता करने के लिए अपने इक्विपमेंट्स के साथ लगातार NDRF के तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ट्रैक किया जा सके, क्योंकि जो दिल्ली दमकल विभाग है उन्होंने हमें जानकारी दी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 12 से 13 इंच है, और अगर इसकी गहराई की बात करें इस बोरवेल की तो वो तकरीबन 35 से 40 फुट के आसपास ये गहराई है। तो रात को भी जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो टॉर्च के जरिए, लाइट के जरिए और कुछ कैमरों के जरिए कोशिश की गई थी कि अंदर के कुछ हालात पता लग सके, लेकिन क्योंकि अंधेरा था और गड्ढा काफी ज्यादा था, 40 से 50 फुट अपने आप अंदाजा लगाया जा सकता है, तो ऐसे में जब सफलता नहीं मिली तो NDRF को कॉल किया गया। NDRF की टीम रात से ही लगी हुई है, अब बड़ी मशीनें यहां पर बुलाई गई हैं जिनसे काफी बड़ा गड्ढा जो है वो भी यहां पर किया गया है, लेकिन अभी सक्सेस जो है वो नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मिसिंग की PCR कॉल नहीं हुई है, ना ही ऐसे कोई लोग आए हैं, तो इसके अंदर कौन फंसा हुआ है वो भी अभी जानना है। और पुलिस का, दमकल विभाग का ये कहना है कि जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये क्लैरिटी हो पाएगी कि आखिरकार इस बोरवेल के अंदर जो गिरा है वो कौन शख्स है, अब तक पहचान नहीं हुई है। दूसरी तरफ अमित, जो दिल्ली की जल मंत्री है आतिशी, वो यहां पर पहुंची। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने NDRF के तमाम ऑफिशियल से अपडेट्स लिया, दिल्ली दमकल विभाग से अपडेट लिया कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि उन्होंने जो जायजा लेने के बाद जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये NDRF की तरफ से जानकारी दी गई है, कोई 17 से 18 साल का युवक हो सकता है, लेकिन इतनी जो पतला उसका डायमेंशन है उसके अंदर वो शख्स कैसे गिर गया। और अगर जहां पर आप फिलहाल ये NDRF की टीम देख रहे हैं अमित, यहां पर पहले एक छोटा सा प्रेमिसिस बना हुआ था एक जिसके अंदर वो बोरवेल थी, ये बोरवेल बताया जा रहा है कि काफी समय से इस्तेमाल में नहीं थी, पुरानी बोरवेल थी, लेकिन उसके बावजूद हालांकि रिंग रोड से अंदर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर ये जगह थी, लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं थी तो उसे ओपन क्यों छोड़ा गया, क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा था, ये वो सवाल है जिसमें हालांकि आतिशी ने कहा है कि जिसकी भी लापरवाही होगी उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो वही जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं वो भी ये बता रहे हैं, सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिरकार उस शख्स की पहचान ही नहीं हो पाए कि जो इसमें गिरा है। दूसरी बात है कि अभी तक कोई विजुअल कॉन्टेक्ट तक नहीं हुआ या फिर ऑडियो कॉन्टेक्ट भी नहीं हुआ है जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अभी किस हालात में है। बहरहाल आप नजर बनाए रखें इस घटना पर, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।